ओके, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो हिस्टोप्लाज्मा है उनकी टिश्यू में किस फॉर्म में वो अपेयरेंस होती है, यीस्ट विद इन मैक्रोफेजेस, यानी यीस्ट फॉर्म में होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस में प्रेजेंट होते हैं। तो वही हमने लैब डायग्नोसिस में भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि ये ओवल यीस्ट की फॉर्म में मैक्रोफेजेस के अंदर हमें नज़र आएंगे जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। फिर हमने जब इनको सेवरोअर्स एगर पर कल्चर किया तो हमें हाइफीज नज़र आएंगे, और उन हाइफीज के पास ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडियाज होंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यीस्ट की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर हमने एलाइजा किया, इसके अलावा कुछ स्किन टेस्ट किए यूजिंग हिस्टोप्लाज्मिन। ठीक है, फिर हमने डीएनए प्रोबिंग की। ठीक है, और हमने इसके अलावा एंटीबॉडी टाइटर को इंक्रीज़ किया। ठीक है, आईडी टेस्ट किया, यूरिनरी एंटीजन को देखा। ठीक है, सोलॉजिकल टेस्टिंग की फॉर आईजीएम एंड आईजीजी, और उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड इम्यूनो डिफ्यूजन किया। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन से हमें क्या पता चला, एंटीबॉडी टाइटर का हमने अंदाज़ा लगाया, एंड उसमें हमने देखा कि 1:32 इज़ डायग्नोस्टिक। ठीक है, और जो इम्यूनो डिफ्यूजन है उसमें हमने देखा कि एम एंड एच बॉन्ड्स जो हैं एगर जेल में वो हमें नज़र आए थे इन एगर जेल डिफ्यूजन ऐसे। ठीक है, एम एंड एच बॉन्ड्स। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट हिस्टोप्लाज्मा। नेक्स्ट हमने जो सिस्टेमिक माइकोसिस में करना है ना, दैट इज़ कॉक्सी डायोड्स। ठीक है, हिस्टोप्लाज्मा हमने देख लिया, अब हम कॉक्सी डायोड्स देखते हैं। तो कॉक्सी डायोड्स बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है ये दो फॉर्म्स में आपको नज़र आएगा, कॉक्सी डायोड्स इमिटस की फॉर्म में एंड कॉक्सी डायोड्स पुसोडासी के फॉर्म में। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास कॉक्सी डायोडोमाइकोसिस करवाते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि दे आर बेसिकली डायमॉर्फिक, सॉइल में ये मोल्ड्स की फॉर्म में और टिश्यूज़ में आपको स्फेरुल्स की फॉर्म में नज़र आएंगे। इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है कि सॉइल में आपको ये आर्थ्रोस्पोर्स की फॉर्म में नज़र आएंगे। ठीक है, और ये आर्थ्रोस्पोर्स विंड के ज़रिए अगर आप इन्हेल कर लेते हैं तो आपके लंग्स को ये इन्फेक्ट करेंगे। इस तरह से इसकी कॉक्सी डायोड्स की जो है सॉइल के ज़रिए ट्रांसमिशन होती है बाय इन्हेलेशन, एंड इन दिस वे इट इन्फेक्ट्स योर लंग्स। ठीक है, पैथोजेनेसिस इसकी ये है कि लंग्स में जब ये चला गया तो आर्थ्रोस्पोर जो है वहाँ पे फिर स्फेरुल्स की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। ठीक है, हमने देखा था कि जो कॉक्सी डायोड्स हैं ये आपको टिश्यूज़ में स्फेरुल्स की फॉर्म में नज़र आएंगे। तो ये वही बात है कि जब लंग्स में ये आर्थ्रोस्पोर्स जाते हैं तो लंग्स में आर्थ्रोस्पोर्स जो हैं वो स्फेरुल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्फेरुल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये स्फेरुल्स जो हैं ये फिल्ड अप होते हैं विद एंडोस्पोर्स। जब ये एंडोस्पोर्स रप्चर करते हैं तो दे डिफ्रेंशिएट अगेन इनटू न्यू स्फेरुल्स। ठीक है, न्यू स्फेरुल्स कुछ तो वैसे ही अपना साइकिल अंडरगो करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हमारे पास ग्रैनुलोमेटस लेयंस कॉज करते हैं। ठीक है, और वो मोस्टली आपको ग्रैनुलोमेटस लेयंस बोन्स में या सीएनएस में मेनिनजाइटिस के फॉर्म में नज़र आ सकती है। ठीक है, फिर अगर इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की हम बात करें तो इसकी वजह से वैली फीवर हो सकता है, डेजर्ट रूमेटिज्म हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्किन टेस्ट है ना वो कॉक्सी डायोड्स की वजह से पॉजिटिव नज़र आता है। 48 आवर्स के बाद स्किन टेस्ट की वजह से आपको 5 मिलीमीटर्स की इंड्यूरेशन नज़र आएगी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में। ठीक है, दैट आर इन्फेक्टेड विद कॉक्सी डायोड्स स्किन टेस्ट पॉजिटिव, इस तरह से नज़र आता है कि 48 आवर्स बाद आपको 5 मिलीमीटर्स की इंड्यूरेशन नज़र आती है इन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑफ कॉक्सी डायोड्स। ठीक है, प्रोग्नोसिस इसकी ये है कि टीबी अल्ना वगैरह की जो स्किन है यानी एक्सटेंसर सर्फिस होगा टीबी अल्ना का, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ रेड टेंडर नोड्यूल्स नज़र आएंगे जिनको हम एरिथ्रीमा नोडोज़म कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको लंग इन्फिल्ट्रेट्स भी नज़र आएंगे। ठीक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस वाली कंडीशन, मेनिनजाइटिस, ठीक है, स्किन नोड्यूल्स वगैरह भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लैब डायग्नोसिस में क्या है कि आपको ट्यूब प्रेसिपिटेंट टेस्ट या एलाइजा आपको करना पड़ता है टू डिटेक्ट दिस ऑर्गेनिज्म कॉक्सी डायोड्स। ठीक है, ट्यूब प्रेसिपिटेंट टेस्ट या एलाइजा के जरिए हम आईजीएम एंटीबॉडी को या फिर आईजीजी एंटीबॉडी को देखते हैं। आईजीएम एंटीबॉडी आपको एक्यूट इन्फेक्शंस में नज़र आती है एंड आईजीजी एंटीबॉडी आपको क्रॉनिक इन्फेक्शंस में नज़र आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप पीसीआर टेस्ट करते हैं ताकि आप न्यूक्लिक एसिड्स को डिटेक्ट कर सकें। सो दिस वॉज अबाउट लैब डायग्नोसिस ऑफ कॉक्सी डायोड्स। यहाँ पे कॉक्सी डायोड्स हमने देख लिया सेकंड ऑर्गेनिज्म, सो हिस्टोप्लाज्मा एंड कॉक्सी डायोड्स हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सिस्टेमिक माइकोसिस में आपके पास ब्लास्टोमाइसीज और जो पैराकॉक्सी डायोड्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ब्लास्टोमाइसीज और पैराकॉक्सी डायोड्स अब हम देखते हैं। सबसे पहले ब्लास्टोमाइसीज की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से ब्लास्टोमाइकोसिस होता है। ठीक है, ये ब्लास्टोमाइकोसिस बेसिकली ब्लास्टोमाइसीज जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ब्लास्टोमाइसीज डर्मेटिटाइडिस की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, ब्लास्टोमाइसीज डर्मेटिटाइडिस की वजह से ब्लास्टोमाइकोसिस होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इस ऑर्गेनिज्म की, दिस इज़ बेसिकली डायमॉर्फिक। ठीक है, यानी ये सॉइल में मोल्ड की फॉर्म में आपको नजर आएगा और टिश्यूज़ में यीस्ट की फॉर्म में आपको नजर आएगा। इसके पास एक डबली रिफ्रैक्टिव वॉल होती है।
ठीक है, और ब्रॉड बेस्ड ब्लड होता है इसका, ठीक है। यानी हमने देखा था ना कि जो आपके पास ब्लास्टोमाइसीज हैं वो टिश्यूज़ में यीस्ट के फॉर्म में होते हैं, और इनके पास सिंगल ब्रॉड बेस्ड ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था दे आर इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़ इन टिश्यूज़ सॉरी टिश्यूज़ के फॉर्म में दे आर इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट विद अ सिंगल ब्रॉड बेस्ड ब्लड, ये आपको ब्लास्टोमाइसीज के केस में नजर आया था। और पैराकोक्सीडायोड्स जो है दे आर इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट इन टिश्यूज़, लेकिन दे हैव मल्टीपल बड्स, ठीक है। पैराकोक्सीडायोड्स में मल्टीपल बड्स और ब्लास्टोमाइसीज में सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड्स हैं। यही उसकी प्रॉपर्टीज़ में वो कह रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड बड सिंगल है इन केस ऑफ ब्लास्टोमाइसीज, ठीक है। अब ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है कि एंडेमिक ट्रांसमिशन होती है मोस्टली, ठीक है। एंडेमिक्स आते हैं इसके मॉइस्ट रिच सॉइल में ये ग्रो करता है ये ऑर्गेनिज्म जो है, और इसकी जो हाइफीज हैं वो पियर शेप्ड कॉनिडियाज़ की फॉर्म में होती हैं। इनकी हाइफीज़ के पास पियर शेप्ड कॉनिडियाज़ होते हैं, ठीक है। और जब हम ये इनहेल करते हैं इन पियर शेप्ड कॉनिडियाज़ को जो इस ऑर्गेनिज्म की हाइफीज पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन हो सकता है ब्लास्टोमाइकोसिस का, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या है कि ये हमारी बॉडी में जब एंटर होता है तो ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये है कि जब इसकी डिसेमिनेशन होती है तो इसकी वजह से अल्सरेटेड ग्रैनुलोमास आपको स्किन या बोन वगैरह पे नजर आएंगे। लैब डायग्नोसिस में ये है कि हम टिश्यू बायोप्सी करेंगे, ठीक है, स्पेसिमन लेंगे वहाँ से, ठीक है, और फिर माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम इसको एग्जामिन करेंगे तो हमें थिक वॉल्ड यीस्ट सेल्स नजर आएंगे विद सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड, जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज में देखा था कि इसके पास थिक वॉल्ड यीस्ट सेल्स होंगे विद सिंगल ब्रॉड बेस्ड बड, और यही हमें माइक्रोस्कोपी पे भी नज़र आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर जब हमने कल्चर किया तो हमें हाइफीज नज़र आए जो कि पियर शेप्ड, जिनके पास कॉनिडियाज होंगे, हाइफीज विद पियर शेप्ड कॉनिडियाज हमें नजर आएंगे ऑन कल्चरिंग दैम ऑन सब रॉड्स एगर, ठीक है। फिर हम इसका अल्टीमेटली आखिर पे PCR टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट ब्लास्टोमाइसिस। फिर है हमारे पास पैराकोक्सीडायोड्स, इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है ना, दैट इज़ पैराकोक्सीडायोडोमाइकोसिस, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका फुल नेम ये है पैराकोक्सीडायोड्स ब्रेजिलियंसिस, ठीक है। और प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि दिस इज ऑल्सो डायमॉर्फिक जस्ट लाइक ब्लास्टोमाइसिस, ठीक है। और यानी ये सॉइल में मोल्ड फॉर्म में होता है और टिश्यूज़ में ये यीस्ट फॉर्म में होता है। इसके पास थिक वॉल्ड यीस्ट होती है, लेकिन इसकी सिंगल बड नहीं होती ब्लास्टोमाइसिस की तरह, इसके पास मल्टीपल बड्स हैं। पैराकोक्सीडायोड्स है थिक वॉल्ड यीस्ट विद मल्टीपल बड्स। ट्रांसमिशन इसकी भी उसी तरह होती है कि ये सॉइल के अंदर ग्रो करता है, और फिर जब हम स्पोर्स को इनहेल करते हैं तो फिर हमारे पास लंग इन्फेक्शन होते हैं। तो पैथोजेनेसिस में ये है कि जब हमने स्पोर्स को इनहेल किया तो उसकी वजह से लंग्स में लेयंस बनना शुरू हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से ओरल म्यूकोजल मेम्ब्रेन में लेयंस बनेंगे या फिर लिम्फ नोड इनलार्ज कर जाएंगे, ठीक है। लैब डायग्नोसिस की ये है कि हमने स्पेसिमेन लिया पस या टिश्यू सेल का, ठीक है, फिर हमने उसकी माइक्रोस्कोपी की, तो माइक्रोस्कोपी पे हमें मल्टीपल बर्ड्स नजर आएंगे, नॉट सिंगल बर्ड, पैराकोक्सीडायोड है तो इसलिए मल्टीपल बर्ड्स नजर आएंगे दैट रिजेंबल शिप कैप्टन्स व्हील, ठीक है। कल्चर जब हमने उसे किया तो उसकी वजह से टिपिकल ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आएंगे आफ्टर 2 to 4 weeks, और सेरोलॉजी हम करेंगे ताकि एंटीबॉडी टाइटर्स को डिटेक्ट किया जा सके। सो दिस वॉज अबाउट पैराकोक्सीडायोड, होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।